वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के पास सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है, इसलिए जी जान से तैयारी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर्ण का विलोम शब्द क्या है? स्वर्ण का विलोम शब्द है अवर्ण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परतंत्र का पर्यायवाची शब्द होगा? परतंत्र का पर्यायवाची शब्द होगा पराधीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा अमूल, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए तत्सम होते हैं, अन्य सभी तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बसंत की कोकिला होना मुहावरे का अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। बसंत की कोकिल होना इसका अर्थ हो जाएगा वैभवशाली का गुणगान करने वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक् प्रकार का चयन कीजिए। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। तो दोस्तों यह है संकेत वाचक, ऑप्शन नंबर ए। संकेत वाचक वाक में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा व्यय, ऑप्शन नंबर डी। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, मकान आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव हो जाएगा कोयल, ऑप्शन नंबर बी। कोयल शब्द तद्भव है, कोयल का तत्सम शब्द होता है कोकिल होगा। अगला प्रश्न है, कच्छप का पर्याय है? तो दोस्तों कच्छप का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कछुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में अर्थ का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों अर्थ का विलोम हो जाएगा इति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्थावर का विलोम कौन सा होगा? तो दोस्तों अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों तत्सम नहीं है सियार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है? तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा मेघ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों जल है योगरूढ़, ऑप्शन नंबर बी। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ का प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे नाक, कान, पीला, पर, झट आदि। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दशानन शब्द है? तो दोस्तों दशानन शब्द है योगरूढ़, ऑप्शन नंबर सी। यौगिक का शाब्दिक अर्थ योग है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका विशेष अर्थ होता है योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे जल, चारपाई आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक का सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसमें सरल वाक्य हो जाएगा आमदनी के अनुसार खर्च करो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन में प्रयुक्त होता है चांदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आसानी से प्राय है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा?
आसान सा प्रश्न है, जो आसानी से प्राय है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुलभ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी पगड़ी अपने हाथ लौकिकी का आशय है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी इज्जत अपने हाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए प्रश्नों में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छांटिए, खून पसीना एक करना, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, आव परते से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, आव परते से बना शब्द है घुमाव, ऑप्शन नंबर डी, परते जो कि शब्द के लास्ट में लगता है, अंत मर्मन में उपसर्ग हो जाएगा अंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगा तलाशी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तुम बाहर जाकर खेलो वाक में कौन सा क्रिया विशेषण है, तुम बाहर जाकर खेलो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, आलोक माँ के लिए दवाई लाया इसमें प्रयुक्त कारक है, आलोक माँ के लिए दवाई लाया इसमें प्रयुक्त कारक हो जाएगा संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी, जिसके लिए कोई क्रिया या काम की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। थैंक यू।